वेलकम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल बिजनेस ट्रेंड में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टील का मार्केट कितना बड़ा है और साथ ही साथ स्टील कहाँ कहाँ यूज होता है और कौन सी क्वालिटी के और कितने टाइप के स्टील होते हैं। मैं पूरी डिटेल के साथ में आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों स्टील का बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आप यकीन नहीं मानोगे 90% मारवाड़ी इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। आप स्टील की कुछ भी आइटम खरीदने जाओगे आपको मारवाड़ी की दुकान ही मिलेगी। अगर किचनवेयर की समझ लो, पाइप हो गए, जो भी जहाँ भी आप स्टील मार्केट में जाओगे आपको सिर्फ मारवाड़ी दिख। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि स्टील के कितने प्रोडक्ट है और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। कई जनों को तो माइंड में भी नहीं आता होगा कि स्टील कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर जगह पे आप कहीं पे भी जाओ आपको स्टील के प्रोडक्ट दिखेंगे। अपने घर के अंदर भी स्टील के प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। हार्डवेयर आइटम हो गई तो हार्डवेयर में सभी स्टील यूज होता है और इसके अंदर कौन सा ग्रेड का स्टील ज़्यादा यूज होता है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ रेलिंग हो गई, जो घर के अंदर रेलिंग लगती है वो भी पूरी स्टील की ही रहती है और मोस्टली हर जगह पर अभी आजकल स्टील यूज कर रहे हैं। अगर बात करें तो घर में हर जगह पर अपन को कहीं ना कहीं स्टील दिखता ही है। जैसे कि किचन बास्केट में अगर आप किचन में जाओगे तो किचन बास्केट देखने को मिलेगा, गेट देखोगे तो आपको स्टील के दरवाजे मिलेंगे, मंदिर में जाओ कहीं पर भी जाओ आपको स्टील के प्रोडक्ट दिखते ही है। सोचिए दोस्तों इसके अंदर इनका परसेंटेज कितना रहेगा कि कितना ये कमाते रहेंगे। अपन अगर बाहर जाते हैं तो बाहर भी आप रेलवे में देखोगे तो आपको हर जगह रेलवे के जो भी लोकल डिब्बे हैं कहीं पे भी है, मेल हो एक्सप्रेस हो, आपको स्टील के ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों बात करते हैं कि स्टील में ग्रेड कितने आते हैं। दोस्तों स्टील के बहुत सारे ग्रेड आते हैं लेकिन मैं आपको वही ग्रेड बता रहा हूँ जहाँ आपको वो चीज़ देखने को मिल रही है कि इसके अंदर कौन सा स्टील यूज हुआ, मैं उसी चीज़ की बात करूँगा और वही ग्रेड मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे बात करते हैं 410, 430 स्टील है, 202 ये सब ग्रेड लिखे हुए हैं, 304, 310, 316 सबसे ज़्यादा यही ग्रेड हर जगह पर यूज होते हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं 410 और 430 ग्रेड कहाँ पे यूज होता है, ये सब क्वालिटी है। तो अपने घर में अगर फ्रिज है, कार है, टेम्पो है, रिक्शा है, जो भी अपना आपको दिखेगा उसके अंदर 410 और 430 स्टील के ही इसकी बॉडी रहती है। कंपनियां इसकी बॉडी इसके इसी स्टील के अंदर बनाती है। अगर बात करें स्टील 202 ग्रेड की तो 202 में अपने घर के जितने भी बर्तन है, खाने पीने के स्टील के जो भी बर्तन है, गिलास है, वो सब 202 स्टील में यूज होता है, जो 410 और 430 से हाई क्वालिटी का बोला जाता है। साथ ही हार्डवेयर हो गया और रेलिंग में भी मोस्टली 202 और 304 यूज करते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं 304 ग्रेड की तो 304 202 से हाई क्वालिटी का बोला जाता है। और ये कहाँ यूज होता है तो मोस्टली ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि डेयरी फार्म होगी जहाँ पे भी जंक ना पकड़े, 304 में जंक नहीं पकड़ते हैं इसके लिए ये वहाँ पे यूज। दोस्तों ये हाई क्वालिटी का कैसे होता है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जिसके अंदर निकल जितना ज़्यादा परसेंटेज का रहेगा वही क्वालिटी सबसे हाई होती जाएगी। चलो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्रेड 316 एंड 310 कहाँ पर यूज होता है, ये सबसे हाई क्वालिटी बोली जाती है स्टील के अंदर। इससे भी हाई क्वालिटी बहुत रहती है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ जो मैंने लिखा है। अपन हवाई जहाज देखते हैं, हेलीकॉप्टर देखते हैं, पानी के जहाज हो गए या फिर केमिकल इंडस्ट्री हो गई जहाँ पे बॉयलर या जहाँ फटने की समस्या ज़्यादा होती है, जहाँ हीट होता है उधर ये सब क्वालिटी के स्टील यूज किया जाता है। दोस्तों अगर अपन बात करें इसके प्राइस की तो मैं आपको मोटा मोटी सबका प्राइस बताते जाता हूँ क्योंकि सबका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर बात करें 410 और 430 स्टील की, जिसके अंदर फ्रिज का बॉडी हो गया, टेम्पो, जो भी अपना बार व्हीकल देखते हैं जिसमें ये 410-430 स्टील यूज होता है। दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 60 रुपये के जी से लेकर 90 रुपये के जी तक ये रेट में स्टील अपन को मिल जाता है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों अगर बात करें 202 ग्रेड की तो अपने घर के अंदर किचनवेयर के जितने भी प्रोडक्ट है, हार्डवेयर प्रोडक्ट है, उसके अंदर 202 स्टील सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो मैं अगर आपको इसके प्राइस लिस्ट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको प्राइस मिलेगा दोस्तों, इसका रेट 100 रुपये से लेकर 150 रुपये पर के जी का रेट रहेगा। दोस्तों ये 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 100-150 का मैं रेट बता रहा हूँ। तो इसके लिए डिफरेंस इसके लिए है क्योंकि अगर पाइप लेने जाएंगे तो उसका रेट अलग लगेगा, सीट लेने जाएंगे तो इसका रेट अलग लगने वाला है। इसके लिए मैं आपको 100-150 के बीच का रेट बता रहा हूँ कि ये रेट के अंदर 202 का प्रोडक्ट अपन को मिल जाएगा मार्केट में। दोस्तों अगर बात करें 304 ग्रेड की स्टील की, जो डेयरी फार्म में यूज होता है जहाँ पे जंग ना पकड़े उस जगह पे 304 को यूज किया जाता है, अगर उसके प्राइस लिस्ट की बात की जाए तो ये 200 रुपये के जी से लेकर 250 रुपये के जी तक अपन को ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। यही रेट कोरोना से पहले 170 और 220 के आसपास ही चलता था लेकिन अभी रेट इतना बढ़ गया।
दोस्तों अगर बात करें 316 और 310 स्टील की, जो ये ग्रेड की स्टील केमिकल प्लांट में और बहुत बड़े बड़े जो प्लांट रहते हैं उसके अंदर यूज होता है, इसके प्राइस की बात करें तो ये 300 रुपये से लेकर 350-400 रुपये केजी के आसपास अपन को ये मार्केट में मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपको सबकी प्राइस लिस्ट तो बता दी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मारवाड़ियों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस क्यों है, अगर वो इसके अंदर ज़्यादा इंक्लूड क्यों है, क्योंकि ये लोग केजी के ऊपर अपना माल लाते हैं और फिर हर चीज़ को बना के नंग के ऊपर बेचते हैं, उनको अच्छा खासा मुनाफा इसके अंदर कमाने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, पसंद आया हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी कुछ नई जानकारी आपके सामने लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच।